आपने मंगलसूत्र का नाम सुना होगा, बड़ी बड़ी इमोशनल पिक्चर आती हैं मंगलसूत्र के ऊपर। स्त्री अपनी जान देने को तैयार होती है, मगर जब विलेन यानी जो खलनायक होता है अगर वो मंगलसूत्र पे हाथ डाले तो हीरो को गुस्सा आ जाता है, जो महिला है वो आग बबूला हो जाती है, उसमें शक्ति आ जाती है। मेरा मंगलसूत्र छीना तो समझो मेरे पति के प्राण छीन लिए, ऐसी महिमा मंडित करके मंगलसूत्र की डालते हैं ताकि मंगलसूत्र बिके और व्यापार चले। क्योंकि मंगलसूत्र में जो मनके होते हैं यानी कि जो मणि होती हैं, काले काले मोती होते हैं, वो भी तुलते हैं सोने के साथ में, उनका पैसा लगता है तो उसमें अच्छी कमाई ज़्यादा होती है। मंगलसूत्र बेसिकली एक गले में पहनने का ऐसा एक आभूषण है, एक ऐसा विभूषण है जिसमें काले मनके लगे होते हैं, और ट्रेडिशनली तो पीला धागा होना चाहिए, अभी सोने में भी वो आता है। मैंने बहुत छाना मगर मंगलसूत्र के बारे में आपको इससे ज़्यादा जानकारी कोई देगा नहीं। बेसिकली मंगलसूत्र जो है वो पुरुषों के और महिलाओं के यानी कि जो नर हैं और नारी हैं दोनों के ही पहनने की चीज़ है। बच्चे भी पहन सकते हैं, बूढ़े भी पहन सकते हैं, सभी पहन सकते हैं, क्योंकि मंगलसूत्र बहुत कमाल की चीज़ है, उसको पहनना चाहिए। और अगर आप उसे पहनते भी नहीं हैं तो कोई बात नहीं, मगर उसे मानना जरूर चाहिए, उसकी प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। अगर मंगलसूत्र को आप मानते नहीं हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो सच में आपकी जान को खतरा रहता है, चाहे आप नर हैं या नारी हैं या बच्चे हैं या पुरुष हैं या कोई भी आप हैं। मंगल सूत्र का मतलब है जो कल्याण करे यानी मंगल, और सूत्र यहां बोला जाता है पाली में, इसको सूत्र बोलते हैं, यानी कि ऐसे वचन ऐसी बात जो आपका कल्याण करे। और अगर महा लगा दें पहले तो महामंगल सूत्र हो जाता है, यानी कि बड़े कल्याण करने वाले, अच्छा करने वाले सूत्र। इन सूत्रों को, ये सूत्र लोगों का कल्याण करते थे, बुद्ध की वाणी है। 38 उन्होंने बताए, 38 महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए समान है, सभी के लिए बराबर है, खाली महिलाओं के लिए नहीं है। मगर पुरुष ने इन नियमों पर चलना बंद कर दिया, इसलिए पुरुषों ने इसकी महिमा खत्म कर दी और महिलाओं को जबरदस्ती दिया गया कि तुम्हें ये मंगलसूत्र मानने पड़ेंगे, तुम्हें याद रहे, इसलिए तुम्हारे गले में ये 19 मनकों की माला, यानी कि 19 मोती इधर हैं, मणि इधर हैं, और 19 मणि इधर हैं काले रंग की, काले मतलब काले लोग होते थे इसलिए काले हैं, और पीले धागे का मतलब है क्योंकि बुद्ध का जो रंग मानते हैं वो भगवा कलर को पीला रंग भी बोल देते हैं, भगवा कलर का धागा यानी बुद्ध के वचन है, बुद्ध ने बताया है। तो मंगलसूत्र का मतलब है कि 38 वो बातें जो काले लोगों की हैं और जो भगवान ने बताई हैं इसलिए पीले धागे में हैं, आपको याद रहे, इसलिए उनको 38 मनकों को आप गले में डाल लीजिए और बीच में एक धम्म चक्र डाल लीजिए, जो बाद में आया तो आपको याद रहेगा कि ये धम्म की बातें हैं, कल्याण की बातें हैं। ये उसका प्रतीक बना। जब लोगों ने उन बातों पर चलना छोड़ दिया तो खाली ट्रेडिशन रह गया, परंपरा रह गई। लोग ये तो भूल गए कि वो मंगल क्या थे, मंगलसूत्र क्या थे, मंगल वचन क्या थे, वो कौन सी कल्याणकारी बातें थी, वो कौन सी गुड टॉक्स थी, गुड थिंग्स थी जो हमें 38 थी, 38 थी अप्लाई करनी थी। वो गले में 38 मन के बांध के बस काम खत्म हो गया और बाद में व्यापार में बदल गया। जितना जिसको बड़ा मंगलसूत्र जो ले सकता है, सुनार जो थे, जो स्वर्णकार थे, उनके मजे आ गए, वो वहाँ अपना धंधा करने लगे और उसके हिसाब से उनके मंगलसूत्र बिकने लगे। फिर ट्रेडिशन बन गया और फिर मंगलसूत्र को पति की जीवन से जोड़ दिया। बेसिकली तो पति अगर उन पे चलेगा तो उसका जीवन बचेगा, पति अगर नहीं चलेगा तो पति का जीवन खतरे में रहेगा। ऐसे ही अगर स्त्री उन 38 सूत्रों को मानेगी, 38 बातों को मानेगी तो उसका जीवन कल्याणकारी रहेगा, वरना तो डामाडोल रहेगा, खत्म चाहे रहेगा, चाहे वो सांस ले लेते रहें या जीवित रहें। तो वो जो मंगलसूत्र हैं या महामंगलसूत्र हैं, वो सारे मंगलसूत्र भगवान बुद्ध ने बताए हैं। वो जो मंगलसूत्र हैं वो मैं आपको एक एक करके बताता रहूंगा। सबसे पहले जो महामंगलसूत्र है उसके अनुसार, ऐ सेवना चे बालानंग पंडितंग चे सेवना पूजा चे पूजनीय यानंग ऐतंग मंगल मुत्तमंग। ऐ सेवना चे बालानंग, बाल मतलब बोलते हैं मूड को, जो पाप इकट्ठा करता है, अच्छे काम नहीं करता, पुण्य काम नहीं करता, अपना धम्म में नहीं चलता, अधम्मिक होता, उसको बाल बोलते हैं। चे माने और ऐ सेवना का मतलब है उसका सेवन नहीं करना चाहिए, उसकी संगति नहीं करनी चाहिए, उसका साथ नहीं रहना चाहिए, यानी कि जो मूढ़ है, जो मूर्ख है, जो समझदार नहीं है, जो पाप इकट्ठा कर रहा है, उसका संगति नहीं करना चाहिए। दूसरा कहते हैं वो पंडितंग चे सेवना, मतलब पंडितंग चे सेवना, पंडितंग माने जो जानकार हैं, च
चय माने और सेवन माने उनके साथ रहना चाहिए। पूजा चे पूजनीय यानं, पूजा चे यानी पूजा करनी चाहिए उनकी जो पूजने के योग्य हैं। एवं एतंग मंगल मुत्तमंग, ये मंगल में उत्तम हैं, यानी मंगलों में ये उत्तम हैं। तीन यहाँ पर हैं, एक तो मूढ़ों की संगति नहीं करनी चाहिए, एक जानकारों की संगति करनी चाहिए, और एक जो पूजनीय हैं उनकी पूजा करनी चाहिए। मैं इसको विस्तार से आपको बताता हूँ कि ये क्या कहा गया है। पहला है महामंगल सूत्र में मूढ़ों की संगति नहीं करनी चाहिए, यानी कि मूढ़ों के साथ में नहीं रहना चाहिए। अब मूढ़ क्या होते हैं? मूढ़ वो होते हैं जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते, अधम्मिक होते हैं और आपको हमेशा कष्ट में डालते रहेंगे। या तो आपका सामान बिखेर देंगे, या आपका कहीं को नुकसान कराएंगे, या किसी का कहीं नुकसान कराएंगे, आपको पिटवा देंगे, या कहीं से उधार ले आएंगे, या आपके नाम का कुछ खा लेंगे, या आपकी पंखा झलेंगे आप तो आपको पंखा मार देंगे, आप कपड़े धोने के लिए कहेंगे तो आपके कपड़े खराब कर देंगे, आपके झाड़ू करने के लिए कहेंगे तो आपके झाड़ू तोड़ देंगे, खाना बनाने के लिए कहेंगे तो खाना जला देंगे। ये तो हो गई मूर्खों की बात। और जो मूढ़ होता है उसको कहते हैं कि वो पाप कर्म ज़्यादा करता है, यानी ऐसे कर्म करेगा जिससे पाप इकट्ठा होता रहता है। उन्हें समझ नहीं होती कि ये पाप कर्म है या ये अच्छा कर्म है, पुण्य कर्म है। तो पाप कर्म में क्या करेंगे, वो शराब पियेंगे, जुआ खेलेंगे, हत्या करेंगे, या व्यभिचार करेंगे, या झूठ बोलेंगे, या चोरी करेंगे, ये सारे कर्म वो लगातार करेंगे, तो वो हमेशा आपको कष्ट में डालते रहेंगे। इसलिए उनके साथ ना रहें, बिल्कुल उसको छोड़ दें। इसका आप उदाहरण ऐसे समझें कि आप अगर चोरों के साथ में रहते हैं और बेशक आप चोरी नहीं करते हैं, तो जब वो चोर पकड़े जाएंगे तो आपकी संगति होने के कारण पुलिस आपको भी पकड़ के ले जाएगी। फिर आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि मैंने चोरी नहीं की, तो पुलिस पूछेगी फिर इनके साथ रहता क्यों था। या शराब पीने वालों के साथ अगर आप रहोगे तो शराब आप ना भी पियोगे तो भी लोग कहेंगे ये शराबी है, और आप मना भी करोगे तो कहेंगे फिर उनके साथ रहता क्यों था। या आप जुआ खेलने वालों के साथ में खड़े होकर सिर्फ देखेंगे कि ये जुआ खेल रहा है और पुलिस आएगी तो आपको पकड़ के ले जाएगी, ये नियम है कि देखने वाले भी पकड़े जाते हैं। या आप अगर हत्यारों के साथ जाओगे और आप हत्या नहीं करोगे तो भी आप हत्या में भागीदार माने जाओगे, क्योंकि आपने हत्या होने दी। तो मूढ़ों के साथ अगर आप रहोगे तो कष्ट में रहोगे, इसलिए मूढ़ों की संगति तुरंत छोड़ देनी चाहिए, तुरंत। ये पहला मंगल मुत्तमंग है, यानी कि ये पहला उत्तम सूत्र है मंगल का। दूसरा कहते हैं कि अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए, जो पंडित हैं, जानकार हैं, समझदार हैं। तो जो जानकार लोग हैं उनकी अगर संगति करोगे तो वो पैसा कमाएंगे, तो आपको पैसा कमाने का रास्ता मिलेगा। वो कोई अच्छी बात करेंगे तो आपको अच्छा काम मिलेगा। वो शराब नहीं पियेंगे तो आप अगर पीते होंगे तो छोड़ देंगे। वो अगर पढ़ाई लिखाई करेंगे तो आप पढ़ाई लिखाई करेंगे। वो अगर साफ शुद्ध कपड़े पहनेंगे तो आप साफ शुद्ध कपड़े पहनेंगे। वो अगर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो आपको आदत पड़ेगी कि भी हमें भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। वो अगर चोरी नहीं करेंगे तो आपका भी चोरी करने का साहस नहीं होगा। वो कहीं किसी अच्छे काम के लिए जाएंगे तो आप उस अच्छे काम को सीख के आएंगे। इसलिए जानकारों की हमेशा संगति करनी चाहिए, उनके हमेशा साथ रहना चाहिए। तीसरा वो ये कहते हैं कि जो पूजा करने योग्य है उसकी पूजा करनी चाहिए। अब पूजा का जो मतलब है भारत में अभी तो बिगड़ चुका है। पूजा का मतलब है कि कोई व्यक्ति है, आप उसकी पूजा करनी है तो थाली में आप कुछ मोमबत्ती, अगरबत्ती, धूप बत्ती, दिया बत्ती, पानी और फूल, ये चावल रोली वगैरह लेके आओगे, थाली में उसके चारों तरफ घुमाओगे और फिर घंटा बजाओगे, फिर कुछ उसकी आरती में गाओगे, होगी पूजा। बेसिकली पाली में पूजा का मतलब है ये नहीं है। पाली में जो पूजन शब्द बना है या पूजा बना है वो पूजन से बना है। पूजन का मतलब है पू प्लस जन। पू का मतलब है पावचन, और पावचन का मतलब है पावन वचन, और पावन वचन उनको बोलते हैं जो बुद्ध के वचन होते हैं। बुद्ध के सारे ही वचन पावन हैं। बुद्ध का एक भी ऐसा वचन नहीं है, कथन नहीं है जो अपावन हो, जो अपवित्र हो, जो खराब हो। ये कमाल की बात है, बुद्ध के सारे वचनों में एक सिंगल वचन ऐसा नहीं है, एक सिंगल बात ऐसी नहीं बताई उन्होंने जो बैलेंस भी हो, यानी कि जो जो ना अच्छी हो ना खराब हो, सारी बात ही अच्छी है उनकी, खराब का तो मतलब नहीं है। तो पूक माने हैं पावन वचन, उनको बुद्ध का वचन बोला जाता है। और जन माने होता है जानन, यानी जानना। तो पूजन का मतलब है बुद्ध के वचनों को जानना। तो पूजा का मतलब है बुद्ध के वचनों को जानना, समझना और उसको अंगीकार करके जीवन में अप्लाई करना, प्रैक्टिस करना, उन पर चलना। और पूजनीय कौन हो गए? पूजनीय वो लोग हो गए जो पहले से ही बुद्ध के वचन को जान रहे हैं, समझ रहे हैं और उस पर चल रहे हैं। यानी ऐसे व्यक्ति जो ना चोरी करते हैं, ना जो शराब पीते हैं, ना व्यभिचार करते हैं, ना नशा करते हैं, ना वो हत्या करते हैं।
ऐसे व्यक्ति जो 5 सील पर चलते हैं वो पूजनीय है, और अगर 8 सील पर चलते हैं तो और ज्यादा पूजनीय है, और अगर वो सारे सीलों पर चलते हैं यानी भिक्खु हैं या भिक्खुनी हैं तो वो तो फिर कमाल के हैं, दर्शनीय हैं, यानी देखने लायक भी हैं और पूजने लायक भी हैं और मानने लायक भी हैं, और उनका दर्शन अच्छा होता है, उनका संग अच्छा होता है। तो ये तीन पहले बार में पहली गाथा में तीन उन्होंने मंगल मुत्तंग बताए हैं। आपके मंगल सूत्र के तीन मन के ये हैं, यानी कि जब आप मंगल सूत्र पहने तो उसमें अपनी 38 मोती गिन लें, और उनके जो पहला मोती है वो ये है कि आपको बुरे लोगों का साथ छोड़ना है, दूसरी जो मोती है वो ये कहती है कि अच्छे लोगों का साथ करना है, और तीसरा मोती ये कहता है कि आपने जो लोग सच हैं, जो लोग झूठ नहीं बोलते, पाप नहीं करते, 5 सील का पालन करते हैं, उनकी आपने पूजा करनी है, उनकी बात को मानना है। पूजन माने सम्मान भी होता है, यानी कि उनकी बात को सम्मान देना है, अगरबत्ती धूपबत्ती लेकर उनके चारों तरफ नहीं घूमना है। और भी आगे मंगल सूत्र हैं, क्योंकि ये तीन बताए हैं, 35 और हैं, मैं एक एक करके आपको सारे बताऊंगा। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स।